इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन को कंटिन्यू करते हैं और आज अपन न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ चल रहे हैं इसी चैप्टर के। और पहली बार अभी तक जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपन न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर आ रहे हैं। तो चलो चर्चा करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आज क्या न्यूमेरिकल पोर्शन वो सीखते हैं। देखो अभी तक अपन ने सीखा उसी से कंटिन्यू करने पड़ेगी, वो लिंक्ड है, वो पीछे जो सीखा उसी से छोटा सा लिंक है। क्या लिंक है वो सुनना। अभी तक अपन ने किसी भी इलेक्ट्रोड या सेल का पोटेंशियल डिफाइन किया था, लेकिन वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे था, इसलिए अपन इसको क्या बोला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे स्टैंडर्ड, मतलब मानक, हिंदी में इसका नाम मानक, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक सेल विभव। अब मानक परिस्थितियां जो थी वो फिक्स थी, जैसे अपन बात करें जो भी आयन काम में आ रहे हैं उनकी सांद्रता फिक्स थी, निश्चित थी, 1 मोलर। जो तापमान था फिक्स था 25 डिग्री सेल्सियस। यदि उस इलेक्ट्रोड इस इलेक्ट्रोड में गैस काम में आ रही हो तो उसका दाब भी फिक्स था। यदि ये सब कुछ फिक्स है तो क्या इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स नहीं आना चाहिए क्या? बिल्कुल सर, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी फिक्स होगा। तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स हो गया तो एक फिक्स वैल्यू वेरी करेगी नहीं वैसे भी। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल जो भी होता है वो हर सेल के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन यदि आप उसकी कंसेंट्रेशन चेंज करोगे, यदि आप टेम्परेचर चेंज करोगे, यदि आप प्रेशर चेंज करोगे, जो भी गैस है, तो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर सेल पोटेंशियल चेंज नहीं होगा क्या? और उसको अपन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में बोल देंगे। यस, तो आज अपन सीखते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन। अब इसको सीखने के लिए एक सिंपल सी इक्वेशन सीखनी पड़ेगी, एक सिंपल सा फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं नर्ट्स इक्वेशन, हिंदी बोलते हैं नेंसर्ट इक्वेशन, जो भी प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से अलग अलग है हिंदी का इंग्लिश का। तो कंटिन्यू करते हैं नर्ट्स इक्वेशन, हेडिंग डालते हैं नर्ट्स इक्वेशन। अब ये इक्वेशन सीधी लिखनी नहीं है, पहली बात तो इस इक्वेशन को डेराइव करनी है, ठीक है? ऐसा नहीं मैं नर्ट्स इक्वेशन इक्वेशन लिख दूंगा और मैं बोल दूंगा तुम्हें याद नहीं। अपन एक एक चीज डेराइव करेंगे, एक एक फॉर्मूला जो एक एक टर्म आया उसके अंदर उसकी फील लेंगे। लेकिन कुछ चीजें अपने को पता होनी चाहिए जो मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई है, जैसे एक सेल जो है वो कैसे काम करता है, उसका कंसेप्ट क्या, वो पता होगा तो ये काम समझ में आने वाला है। और यदि ये चीज समझ में आएगी, जो इक्वेशन ही समझ में आएगी, तो ये चैप्टर आगे हलेगा, नहीं तो आगे नहीं चलने वाला। क्योंकि अब बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आईआईटी हो चाहे नीट हो, वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। पहली बात, ये इक्वेशन जो है नर्ट्स इक्वेशन या नेंसर्ट इक्वेशन, जो भी हिंदी में जैसा भी नाम है यार, वो इक्वेशन किस तरह से डेराइव हुई है, ये इक्वेशन बताती क्या है? ये बताती है किसी भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करता है। तो लिखते हैं इस इक्वेशन के बारे में, दिस इक्वेशन हेल्प्स टू कैलकुलेट, दिस इक्वेशन हेल्प टू कैलकुलेट ई इलेक्ट्रोड, मतलब पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड ई सेल ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हालांकि अपन ने बोल दिया इलेक्ट्रोड, तो उसकी हेल्प से सेल का भी निकलेगा, तो ये इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, पहली बात तो ये भी लिखना चाहिए एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, ध्यान रखना भाई। यहाँ पर नोट नहीं लिखा, ये ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूं, नॉन स्टैंडर्ड, ये खास बात क्या कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट करवाता ही है। अरे स्टैंडर्ड पे तो फिक्स ही था यार, क्या कर लेता, क्या कैलकुलेट करवाता, फिक्स वैल्यूज है हर किसी की, चाहे जिंक हो, चाहे कॉपर हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे हाइड्रोजन हो, सबकी हाइड्रोजन की क्या थी यार, स्टैंडर्ड 0। हाइड्रोजन की क्या थी, फिक्स है भाई, फिक्स है। तेरे को कंसेंट्रेशन एस प्लस की 1 मोलर रखनी है। पीएच जो है इसका मतलब जो भी है, 0 पीएच आएगी। और यदि बात करूं प्रेशर जो है वो कितना रखना है, 180 रखना है, तो जो आएगा वैल्यू ई नॉट ऑफ H2 से H+ या H+ से H2 जो 0 आया था। अब अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट नॉन स्टैंडर्ड, कुछ गजब की चीज। देखो इसकी स्टार्टिंग अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो था, या जब अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, कैसी वर्किंग होती है, वहीं से उसका एक छोटा सा पॉइंट काम में आने वाला है। क्या कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो करता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी वही तो बनाता है। लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता कैसे है, ये आपको पता हो तो बता दूं, नहीं पता है तो बता रहा हूं, पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता तभी होगा जब पिछले लेक्चर देखे होंगे कि
कि वो क्या करता है, जो भी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसको अपन इनडायरेक्टली करवाते हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, जो गिव फ्री एनर्जी, जो फ्री एनर्जी थी उसको यूजफुल में आपने कन्वर्ट किया, जिसको आपने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, उस एनर्जी को सेल जो है, उस एनर्जी को सेल जो है, जो बैटरी बनी रहती है, वही तो कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन थी, सेल का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो कंसेप्ट था वो क्या था, सिंपल सा, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। और उसमें हुआ क्या था, उसमें हुआ क्या था कि आपने जो यूज जो डेल्टा जी था, जो गिब्स फ्री एनर्जी रिलीज हुई, जो फ्री की एनर्जी आपने इसको, या डब्ल्यू यूजफुल, उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया। और कौन से वर्क में, इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट किया। सही है। अब एक चीज सोचो, जो इलेक्ट्रिकल वर्क कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आपने कोई बल्ब जलाया तो इलेक्ट्रिसिटी से वो वर्क हुआ, तो जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाता है कभी भी, वो आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्क की जो एनर्जी मिली है, वो एनर्जी आई कहाँ से, वो एनर्जी आई डेल्टा जी की वजह से। उस डेल्टा जी से जो एनर्जी रिलीज हुई उसको यूजफुल वर्क में आप कन्वर्ट कर सकते थे, और जो कन्वर्ट कर सकते थे उसको आपने किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल वर्क में। ये बात समझ में आएगी सारा सारा क्या हुआ है। और ये वो इस स्पॉन्टेनियस निकली एनर्जी है भाई, याद करो, जाओ पहला लेक्चर देखो, ये वो एनर्जी रिलीज एनर्जी है, उसको मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब फिजिक्स वाले ही सिखाते हैं अपने को, नहीं चालक बता, फिजिक्स में बताया जाता है कोई भी सेल, कोई भी बैटरी जो कार्य करती है, काम करती है, उसका जो वर्क डन, उसको फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू क्यू डॉट वी। अब ये क्यू क्या है, जो चार्ज फ्लो करवाती है बैटरी और जिस वोल्टेज के साथ करवा रही है, उसका वर्क डन है। अब अपने को पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, वो फ्लो कहाँ से होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन से होते हैं। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है रेडॉक्स में, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है एनोड वाला, और जिसका रिडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन लेता है, उसी वायर के थ्रू जा रहे होते हैं। तो जो रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ना, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस वायर से हुआ है, यही तो हुआ है। जो इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर इस रेडॉक्स रिएक्शन हुआ भाई साहब, वही तो इस वायर के थ्रू ट्रांसफर हुआ है चार्ज, और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। तो क्यों ना उस रिएक्शन में जो रिएजेंट्स जिस हिसाब से रिएक्शन कर रहे हैं, जितने मोल रिएक्शन कर रहे हैं, मोल जितने मोल रिएक्शन कर रहे हैं, उस मोल से मैं पता कर सकता हूँ कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो सारा काम मोल में होता है, तो मैं क्यों ना चार्ज को भी मोल में लूं, तो क्यू जो मोल के अकॉर्डिंग में कन्वर्ट करता हूँ। सुनना, तो मैं बोलता हूँ एन मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, एन मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, क्योंकि बाई चांस आपने 2 मोल जिंक लिया तो 1 मोल जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो 2 मोल जिंक से 4 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो एन मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जो भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज जो मैं एफ मानता हूँ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो फिक्स होता, बता देता हूँ फिर भी मैं, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96500 कूलम, अप्रोक्स आता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन ये याद करने के पर्पज से बहुत अच्छी वैल्यू है, 96500, ये है एफ, दैट इज वन सिंबल को क्या बोला, 1 फैरड। ओके, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, और एन मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो एन से मल्टीप्लाई कर दे भाई, तो टोटल चार्ज जो है फ्लो नहीं आ गया कि भाई, इनटू क्या कर दे, और फिजिक्स वाले वोल्टेज को वी बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ये जो सेल का जो ईएमएफ है, जो वोल्ट मीटर से आप मेजर कर सकते हो, वो आ जाएगा, और जितना चार्ज है उस वजह से आपने ये पता कर सकते हो कितना वर्क डन जो यूजफुल में कन्वर्ट हुआ, ये वही वर्क डन है जो सेल ने किया, और ये वही वर्क डन है जो फ्री एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ था, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ कि जो वर्क डन यूजफुल आपने किया, ये है कौन सा भाई, ये डेल्टा जी नहीं है क्या, और डेल्टा जी यहाँ पर नेगेटिव नहीं है भाई साहब, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू यूजफुल, दैट इज माइनस एन एफ ई, लेकिन नेगेटिव में एन एफ ई नहीं आ जाएगा क्या। अरे सर माइनस का क्यों लगा दिया, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, और हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी यहां लिख देता हूँ, एरो हटा देता हूँ, नेगेटिव होता है। बात समझ में आ गई, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव तो आना चाहिए भाई, नेगेटिव तो आना चाहिए, तो डेल्टा जी क्या गया, माइनस का एन एफ ई। ये तो हुआ नॉर्मल कंडीशन पे, लेकिन मैं बात करूँ स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो
बिल्कुल आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी इसको डिफाइन कर सकते हो, डेल्टा जी नॉट इज गोज टू माइनस का एन एफ ई नॉट। ई नॉट तो डिफाइन होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, जबकि एन क्या है, मोल्स है, उसमें स्टैंडर्ड का कोई मतलब नहीं है, और एफ एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, उसमें भी स्टैंडर्ड का कोई मतलब नहीं है। चलो तो मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ओके, ई क्या है, सॉरी एफ 96500 कूलम, और ई क्या है, यदि सेल है तो सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं एक्चुअली सेल पोटेंशियल लिखता हूँ क्योंकि जनरली सेल के लिए काम लिया जाता है, सेल पोटेंशियल लिख देते हैं ना। चलो अब एक इक्वेशन जो है जो अपन थर्मो में सीखते हैं, याद है तो ठीक है, जाके नोट्स में जाके देखो, थर्मो में इक्वेशन है कौन सी, डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट में रिलेशन थर्मो में सीखी होगी। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी एल एन क्यू सी। ये इक्वेशन कहां से खाई जाती है, थर्मोडायनेमिक्स में, जहां पर डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, डेल्टा जी नॉट क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, आर गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर, एल एन क्या होता है आपको पता नहीं है तो बताते हैं क्या है, लॉग एल एन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी चर्चा करते हैं, और क्यूसी क्या है, ये क्यूसी क्या है, और जबरदस्त चीज है यार, क्यूसी केमिकल इक्विलिब्रियम की चीज है। अरे सर कितना चैप्टर लिखा होगा बीच में, इलेक्ट्रो तो सिखा रहे हो, मोल आपने यहाँ घुसेड़ दिया था, थर्मो आप यहाँ लेके आ गए, और इस थर्मो के अंदर आप केमिकल इक्विलिब्रियम बोला रहे हो, कितना चैप्टर लेके आओगे यार एक इक्वेशन में, ये तो खास बात है, यही तो खास बात है, इसके डेरिवेशन बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत सारा दिमाग लगे, इस बंदे ने कम से कम 4 चैप्टर तो सीख के गया होगा तभी इक्वेशन से बनी है। तो तुम्हें भी यदि सीखना है ना तो ये 4 चैप्टर आने चाहिए भाई, यदि ये 4 चैप्टर उस बंदे को नहीं आते ना, नर्स को, तो शायद वो भी इक्वेशन डेराइव नहीं कर पाता, इसका मतलब साफ है, यदि आपको भी करना है ये चैप्टर आने चाहिए भाई, देखते कैसे यूज में आते हैं, चेक करते हैं। चलो तो ये पता चल गया, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, क्यूसी कैसे है और समझाऊंगा मैं, ठीक है। चलो तो डेल्टा जी क्या है, माइनस का एन एफ ई इज इक्वल्स टू माइनस का एन एफ एन एफ ई नोट प्लस का आर टी। देखो अपने को ज्यादातर वैल्यू जो है ना वो लॉग में याद होती है, और लॉग और एलन में फर्क क्या है, बेस का, कैसे फर्क है, एक होता है लॉग जो होता है बेस 10 में, और एक एलन होता है जिसके बेस में ई होता है, ये एक्स वैल्यू, ये एक्स वैल्यू, समझ में आ गई। यदि ये दोनों को सेम करना है, इक्वेट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना 2.303 से, आगे बात समझ, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इस एलन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ इसे मल्टीप्लाई, 2.303, अब लॉग बेस में 10 वाला आ जाएगा QC, आगे बात समझ में। तो ये है जैसे जैसे रख दिया मैंने, बस एलन को मैंने लॉग में कन्वर्ट किया, ये एक प्रॉपर्टी होती है एलन और लॉग की, ये एलन एक्स बेस में इजगोज टू log 10 2.303 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है, ठीक है। माइनस कैन एफ को सिंप्लीफाई करने के पर्पज से मैं डिवाइड लगा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस कैन एफ का, दोनों में डिवाइड लग गया, उस बचे हुए माइनस एन एफ को यहां पर डिवाइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कैसे, ये माइनस आगे रख देता हूँ, आर टी अपॉन एन एफ 2.303 है जैसे जैसे, और लॉग क्यू सी भी है जैसे जैसे पड़ा है, ठीक है। चलते आगे, अब इन कॉन्स्टेंट जो है, जो आर गैस कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू पुट करता हूँ, टी टेम्परेचर उसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर, क्या गैस कॉन्स्टेंट, सारा काम एसआई में कन्वर्ट करता हूँ मैं, तो इसकी एसआई यूनिट वैल्यू होती है 8.314 जूल अपॉन मोल केल्विन, ठीक है। और टेम्परेचर देखो यार, वैसे तो टेम्परेचर वेरिएबल रख तो बढ़िया है, लेकिन यदि बात करें जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए जाते हैं वो रूम टेम्परेचर बनाए जाते हैं, तो सेल जब रूम टेम्परेचर में बनाया जा रहा है तो क्यों ना अपन रूम टेम्परेचर को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री। लेकिन अपने को केल्विन पुट करना है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जहां पर आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पुट करो, डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा, एन क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू, हालांकि इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, इनटू एफ क्या है 96500 इनटू 2.303 है जैसे जैसे रख दिया मैंने, और लॉग क्यूसी जो है वो भी है जैसे जैसे रख दिया। अब ये जो कॉन्स्टेंट इनकी वैल्यू को सोल्व कर दूं, ये लो सोल्व कर दिया, जस्ट ए सेकेंड हो गया सोल्व, ये लो 0.0591 डिवाइड बाई एन,
बहुत फास्ट सॉल्व किया। नहीं, सर को याद था और तुम्हें भी याद करना है। सर को भी याद था और तुम्हें भी याद करना है। ये है नर्स इक्वेशन, बन गई नर्स इक्वेशन। अब इसको जहर में डाल देना भाई। देख, हर एक चीज वापस एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन तुम्हें ये फील बढ़िया से आनी चाहिए। क्या है, ठीक है? पहले ही बता देता हूँ, ये सेल इलेक्ट्रोड पे भी अप्लाई होती है। सेल सॉरी, ये इक्वेशन सेल पे और इलेक्ट्रोड दोनों पे अप्लाई होती है। कैसे दिखेगी यदि सेल पे अप्लाई करता हूँ? तो रेड कलर से लिखता हूँ मैं, ई सेल इज गोज टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू सी। ये इक्वेशन जो है वो किसी सेल के लिए, और यही इक्वेशन मैं लगाना चाहूँ किसी इलेक्ट्रोड पे, तो कैसे बनेगी? ई इलेक्ट्रोड इज गोज टू ई नोट इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू सी। कुछ चेंजेस वो देख लेना, क्या चेंजेस है इन दोनों में, डिफरेंस क्या है। देखो, ये जो वैल्यू आई वो सेल का पोटेंशियल का आएगा, जबकि ये वैल्यू देगा इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का। आपको स्टैंडर्ड जो रखना है वो सेल का रखना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड किसका रखना है? इलेक्ट्रोड का रखना है। यहाँ पर VF जो आएगी वो सेल की आएगी, और कैसे VF सेल की डिफाइन की जाती है, हालांकि मैंने पहले बताया हुआ है, फिर भी अभी बता दूंगा। इसको N को VF बोलते हैं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड भी होता है। ये इलेक्ट्रोड की आएगी, ठीक है? और लॉग QC, देखो QC क्या है, जैसे आप लोगों को यदि पता है, कुछ भी आइडिया है, तो इक्विलिब्रियम, जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो अपन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक KC जिसको बोलते हैं कंसेंट्रेशन, जब एक्टिव मास को कंसेंट्रेशन के टर्म में रखा जाए, और एक होता है KP जब एक्टिव मास को पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में रखें। तो KC और KP के एक्सप्रेशन आपने बनाए होंगे, तो वही एक्सप्रेशन रिएक्शन क्वेश्चन QC के फॉर्म में यहाँ पर रखना होता है। एक्सप्रेशन एक जैसा बनता है, बस वहां पर इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू पुट करते हैं, और यहाँ पर कोई भी जनरल वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन किसकी बनेगी? सेल की बनेगी, नेट एनोड और कैथोड को ऐड करके। और यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो केवल इलेक्ट्रोड की बनेगी। इस तरह से अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, एक दो एग्जांपल करता हूँ, जिससे पता चले इक्वेशन कैसे अप्लाई की जाती है, ठीक है भाई? तो एक बार सारा मैं बता देता हूँ जो बोर्ड पे पढ़ा है। अपन पढ़ रहे हैं नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन क्या करता है? किसी भी सेल का या किसी भी इलेक्ट्रोड का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। बहुत अच्छी चीज है, नई चीज है। अब क्या करेगा, कैसे करता है? कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता क्या है? क्यों इसमें होता क्या है? इसमें एक एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को अपन यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, और वो यूजफुल वर्क कौन सा है? इलेक्ट्रिकल वर्क है। अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है वो इस रेडोक्स रिएक्शन की वजह से उत्पन्न हुआ है, स्पॉन्टेनियस। तो मैं उसकी वैल्यू को चेक करता हूँ किसी भी इलेक्ट्रिकल वर्क को करवा के, तो ये क्यू इंटू वी आता है वर्क डन। क्यू क्या है? चार्ज फ्लो। जितना उस सर्किट से चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो क्या होता है? जितने मोल चार्ज फ्लो है, मोल के टर्म में काम करते हैं, क्योंकि रिएक्शन सारी मोल में होनी है। तो मैंने बोल दिया कि एन मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं इनटू एक मोल का चार्ज कर देता हूं। तो देखो, एक मोल का चार्ज 1 फेराड, ठीक है? और 1 फेराड की वैल्यू कितनी है? 96500 कूलम। तो एन इंटू एफ टोटल चार्ज फ्लो इंटू वी, वी क्या पोटेंशियल उस बैटरी का। तो यहाँ पर उस सेल का अपन ई से लिखते हैं ईएमएफ, ठीक है? ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन ई से डिनोट करते हैं। यूजफुल वर्क डेल्टा जी, जो गिब्स फ्री एनर्जी निकली उसके इक्वल आ गया, और ये हमेशा फ्री एनर्जी है, एनर्जी रिलीज होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, तो डेल्टा जी होगा नेगेटिव। इसलिए मैंने डेल्टा जी इज टू साइन क्या काम में लिया, एन एफ में माइनस का एन एफ ही, ओके? तो ये जनरल कंडीशन पे आ गया। इस तरह से मैंने इसको स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए भी कैलकुलेट कर लिया, माइनस का एन एफ ई नोट, दैट इज डेल्टा जी नोट, ओके? तो एन एफ क्या है, ई, ये मैंने बता दिया। फिर मैंने एक इक्वेशन बताई जो थर्मोडायनेमिक्स में सिखाई जाती है, कहाँ? थर्मो में। डेल्टा जी इज गोज टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। अब फिर मैंने बोला इस लोग को एल एन में कन्वर्ट करते, सॉरी इस एल एन को लोग में कन्वर्ट किया, और इस इक्वेशन में जो डेल्टा जी नोट और डेल्टा जी की वैल्यू रख के सारे कॉन्स्टेंट को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके फाइनली इस इक्वेशन तक पहुंचा। तुम भी पहुंच गए, मैं भी पहुंच गया, और जो ई सेल और ई इलेक्ट्रोड दोनों पे एप्लीकेबल है, दोनों के लिए इसमें कन्वर्ट कर दिया। बोलो, यहाँ तक सेट है, तो फिर न्यूमेरिकल की तरफ चले। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कैसी भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लो यार, ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, सीधी सी बात है, ठीक है? अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है वो देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, कि कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करें, और एक इक्वेशन करवाता हूँ मैं सेल पोटेंशियल पे। यदि दोनों इक्वेशन आपने कर लिया, या दोनों इस इक्वेशन को हेल्प लेते हो, आपने सीख लिया
इसका मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है? छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन पूछा है नोट ई ऑफ पीटी H2H+ क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रोड की इक्वेशन दे रखी है तो ई इलेक्ट्रोड पूछा हुआ है। अब देखो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 दे रखा है 2 atm, ये गिवन है, और कंसंट्रेशन ऑफ H+ इसको 10 रखो ताकि कैलकुलेशन मजा आए, 10 atm, और कंसंट्रेशन ऑफ H+ या थोड़ा pH रखो और मजा आएगा, pH रखो 2 pH पे काम करना है। समझ में आ गई बात क्या है? क्वेश्चन ये है कि pH 2 पर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड बनता है उसका ओपी का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा? ओपी का वैल्यू पूछा, इससे देख के लग रहा है ये ओपी का वैल्यू पूछा हुआ है, और गिवन क्या है, और जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना है वो 10 atm प्रेशर पे बना है और pH = 2 पे बना है। इससे दो बातें तो क्लियर हो गई, एक तो ओपी पूछा हुआ है, दूसरा ये क्लियर है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पूछा हुआ है। ये कैसे क्लियर हुआ? प्रेशर 1 atm नहीं है और H+ की कंसेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है भाई, तो इन दोनों से क्लियर हो गया कि भाई स्टैंडर्ड कंडीशन तो नहीं है। अब करना क्या, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जो भी गिवन है उसको देखो और पूछा उसको देखो, इन दोनों की हेल्प से सारा काम होगा। तो पूछा हो गया ओपी है तो ओपी की इक्वेशन लिख, हाइड्रोजन के ओपी मतलब एनोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, ये एनोड के लिए पूछा हुआ है, ऑक्सीडेशन के लिए पूछा हुआ है, तो मैंने इसका ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखी, H2 गिव्स 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये होता है गैस, ये होता है एक्वस, इलेक्ट्रॉन की कोई फिजिकल स्टेट डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं इसके वीएफ की, तो इलेक्ट्रोड की वीएफ क्या होती है सुनना, जितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, जितने मोल, अब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है तो जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसके 1 मोल से कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो उस इलेक्ट्रोड की वीएफ है। तो इसके 1 मोल से 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं क्या, वीएफ की वैल्यू 2 आ गई, मतलब एन की वैल्यू 2 आ गई एक तरह से। ये इक्वेशन बहुत कुछ सिखाने वाली है भाई, ठीक है? दूसरा क्या लिखोगे, एन की वैल्यू मिल गई, इसमें क्या रखनी है, दूसरा लो क्यूसी की वैल्यू। क्यूसी का एक्सप्रेशन वैसे ही बनेगा जैसे इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम बना, तो बस फर्क इतना सा है कि जो अपन केपी या केसी डिफाइन करते थे तो केसी में केवल कंसंट्रेशन लेते थे जबकि केपी में केवल प्रेशर लिया करते थे। एक्चुअली ये क्यूसी नहीं, क्यूसीपी है, क्यूसी में कंसंट्रेशन भी प्रेशर भी है। तो इसमें क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आता है स्टोइकोमेट्री का, उसका पावर लग जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, अपॉन जो गैस उसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1 की स्टोइकोमेट्री कितना है इसका 1। वैल्यूज पुट करता हूँ, अब इसने गिवन है pH+ की कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, हाँ यदि तुम थोड़े बहुत होशियार हो तो pH 2 का मतलब क्या, H+ की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2। आगे बात समझ में, यदि pH 2 है तो इससे क्या पता चलता है H+ कंसंट्रेशन, नीचे लिखता हूँ सॉल्यूशन के अंदर, pH = 2 का मतलब यही है H+ की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2। रिवर्स ट्रैक कर ले जैसे अच्छा लगे वैसा कर ले, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 pH 2 कितना दे रखा है 10। वैल्यू पुट करता हूँ तो QC क्या आ गया, H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाई पी ऑफ H2, ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी 10^-5। देन अब क्या करना है, QC आ गया, N आ गया, QC की वैल्यू कितनी आई 10^-5। E इलेक्ट्रोड पूछा हुआ है या इलेक्ट्रोड को देख लो किस फॉर्मेट में पूछा हुआ, फॉर्मेट लिखना PT H2 H+ इज गोज टू ई नोट ऑफ दिस, इसका ई नोट कितना होता है हाइड्रोजन का, ई नोट ओपी कितना होता है 0। पता है तो ठीक है, नहीं देगा सामने वाला, नहीं पता तो क्वेश्चन छूटेगा भाई तेरा, और तो क्या है, माइंड माइनस 0.059 को क्या मैं 0.06 लिख सकता हूँ अप्रोक्स, कैलकुलेशन आसान करने के पर्पज से, डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग 10^-5। अब ये 10^-5 बाहर नहीं आएगी क्या, तो ई इलेक्ट्रोड लिख दो इसको, या PtH2H+= ये 0.03 और ये 10^ बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 × 0.03 दैट इज 0.15 वोल्ट, क्योंकि सारा ऐसा ही काम हुआ है।
तो ये देख लो, अपन लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन तो नहीं था। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। और अगला जो क्वेश्चन है वो सेल के लिए है, ना कि इलेक्ट्रोड के लिए। अब कैसे करोगे? वही तरीका, पहले सेल की इक्वेशन बनाओगे जैसे मैंने इलेक्ट्रोड की इक्वेशन बनाई, उससे पहले एन की वैल्यू कैलकुलेट करके जैसे मैंने एन की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर उसके लिए क्यूसी की वैल्यू लिखोगे जैसे मैंने कैलकुलेट किया, फिर इसका इनर्स इक्वेशन वैल्यू पुट करोगे। हाँ, बस इस बार इतना खास आएगा कि जो ई नोट इलेक्ट्रोड था वो जीरो था, लेकिन ई नोट सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड की हेल्प से निकलता है, आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड की हेल्प से। ठीक है, करें ट्राई। देखो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, इसको यहीं रहने देता हूँ। हाँ, पहले आप लोग ट्राई करो, ये है, मैं ट्राई नहीं करने वाला पहले। चलो इस साइड करते हैं, आप लोग ट्राई करोगे ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ, आप ट्राई करना, और अच्छा लगे तो बताना यार, ट्राई करना बस, अच्छा लगे तो बताना यार, मजा आ रहा है। ऐसे बहुत न्यूमेरिकल चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में इतना नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो बात करें मेरे से, और होमवर्क चाहिए और क्वेश्चन चाहिए जरूर करेंगे। एग्जाम्पल देखो, जिंक से जिंक प्लस टू, अब सेल बना रहा हूं मैं ना, सीयू प्लस टू से सीयू, ये पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो अपन ने सीखा है। 0.001, 0.1 मोलर, मोलर ठीक है। और गिवन क्या है, इसका ई सेल पूछा हुआ है, ई सेल क्या होगा, गिवन क्या है, ई नॉट ऑफ जिंक से जिंक प्लस टू 0.76 वोल्ट, और ई नॉट ऑफ सी यू प्लस टू से सी यू 0.34 वोल्ट। ओके, ये वैल्यूज गिवन है और पूछा हुआ इसका ई सेल। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ खत्म। अब करना है सॉल्यूशन, पहले तुम ट्राई करो, मुझे तो करना ही है भाई, मुझे तो करना ही है, करो ट्राई, करो मैं ट्राई, यदि आपने कर लिया हो तो। अरे ऐसा नहीं, वेट नहीं करूंगा मैं यहाँ, आप वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, जब हो जाए तो मैच करना उनसे। ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, तो चाहो तो एनोड के अलग लिखो, कैथोड के अलग लिखो, फिर नेट सेल इक्वेशन ले आओ जैसा आपको अच्छा लगे। तो एनोड के लिखता हूँ मैं, जिंक से जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन, फिर मैं कैथोड लिखता हूँ, सी यू प्लस टू इलेक्ट्रॉन से लिए और कैथोड पे सी यू बना। ये इक्वेशन मैंने बताई हुई आपको एनोड और कैथोड की सेल की, और बहुत सारे सेल की बताई, सेल को छोड़ो। तो नेट सेल इक्वेशन क्या बनी, जिंक प्लस सी यू प्लस टू से प्रोडक्ट बना जिंक प्लस टू एंड सी यू, जितने इलेक्ट्रॉन कटते हैं वही सेल की वीएफ होती है, मैंने चर्चा कर ली थी। नहीं चर्चा की तो फिर बता रहा हूँ, जब भी एनोड और कैथोड की इक्वेशन लिखो तो जितने इलेक्ट्रॉन कट होते हैं, कैंसिल होते हैं, उस सेल की वही वीएफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो से दो इलेक्ट्रॉन कट हुए हैं, तो वीएफ जो आ गई वो दो आ गई। अरे दो से दो चार मत कर दियो भाई, कि दो से दो कट गया चार आ गया, मैं बोलो जितने सेम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन कटते हैं, दो से दो ग्राम वीएफ दो, चार से चार ग्राम वीएफ चार, आगे बस सेम इलेक्ट्रॉन जितने कटते हैं। दूसरा अब क्या है, ये सॉलिड है, ये एक्वस आयन है, ये एक्वस आयन और ये सॉलिड। अब क्या करो, इसका क्यूसी का टर्म लिखो, तो क्यूसी क्या आएगा, जिंक प्लस टू का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई सी यू प्लस टू का कंसेंट्रेशन। क्या वैल्यू है जिंक प्लस टू कंसेंट्रेशन का, 10^-3। इसका क्या है, 10^-1, दैट इज 10^-2। क्यूसी की वैल्यू हो गया। अब ई नोट ऑफ इलेक्ट्रोड भी निकालना पड़ेगा अभी, सो ई नोट ऑफ सेल कैसे निकलेगा, ई नोट ऑफ सेल जो यहाँ पर पुट करना है भाई, इसके जगह पुट नहीं करना क्या, ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नोट आरपी ऑफ एनोड, कितनी वैल्यू है। अब ये है एनोड, ये है कैथोड, आरपी इसकी क्या दे रखी है, इसकी दे रखी है ओपी, इसकी तो आरपी दे रखी है, मतलब ये है एनोड, एनोड का ओपी दे रखा है, तो आरपी क्या हो जाएगी इसकी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ई नॉट ऑफ जिंक प्लस टू से जिंक, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 0.76, मेरे काम में आना है। ठीक है, आरपी ऑफ कैथोड, कैथोड का आरपी दे रखा है 0.34, माइनस आरपी ऑफ एनोड कितना है, माइनस का 0.76 वोल्ट में दोनों वैल्यूज, तो ई नोट सेल कितना आ गया भाई, ई नोट आरपी ऑफ कैथोड, ये वैल्यूज यहाँ रही 0.34 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 0.76, 1.1 वोल्ट क्या है, ई नोट सेल ना कि ई सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन पे आ गया। तो अब इक्वेशन लिख दो, नोट्स ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.06 लिख दो, इसको अप्रोक्स वीएफ आ गई 2 लॉग 10^-2, -2 ये क्यूसी वाली वैल्यू पुट किया और क्या किया,
ये 2 बाहर आएगी पावर, माइनस का 2 बाहर आएगा, प्लस 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो e कितना आ गया 1.1 प्लस 0.06, तो क्या आ गया 1.16 वोल्ट। ये लो आंसर। अब तो जितने क्वेश्चन दे उतने करवा दे, बच्चा मेरा कर देगा। अरे जैसे क्वेश्चन देने कर ले यार, करेगा। अब आप करोगे, पक्का करोगे, समझ आ गई बात। और अभी घणी क्वेश्चन करेंगे यार, और चाहिए पूछ लेने क्वेश्चन, और घणी दे देंगे क्वेश्चन। ग्रुप में आओ, नीचे लिंक दे रखा है, उस ग्रुप में मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन यार, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आते हो चर्चा कर ली, इस पे और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्कस इतने नहीं हो पाएंगे बेसिक से। इस इक्वेशन को अप्लाई कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। चलो, तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो प्लीज पूछना, नहीं तो कंटिन्यू करते हैं, मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर